कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में भाजपा सरकार राजनीति करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुसीबत की घड़ी में ठोस नीति बनाकर कार्य करना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रदेश में भी आगामी सीजन को देखते हुए सरकार से मजदूरों और व्यापारियों की सही व्यवस्था करने की भी मांग की, ताकि बागवानों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। सत्तासीन भाजपा सरकार कोरोना महामारी से लड़ने की बजाय राजनीति करने में व्यस्त है, ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भाजपा सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई, जिसकी वजह से आज देश में लगभग 2.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। राठौर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अमित शाह कहीं नजर नहीं आए, लेकिन अब वो रैलियां निकाल रहे हैं। इस संकट की घड़ी में भाजपा को सिर्फ राजनीति करनी है और बिहार में सरकार बनानी है। देश का दुर्भाग्य कि जिस ढंग से सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो इस महामारी से लड़ने के बजाय राजनीति करने में ज्यादा व्यस्त है। आप देखेंगे कि जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस दिन मामले सैकड़ों में थे, आज देश में मामले जो है 2.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। लगातार हमारा देश जो है विश्व के जो मोस्ट इन्फेक्टेड देश हैं, लगातार पायदान चढ़ता जा रहा है। हमने पिछले कल स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया और हम 5वें पायदान पे पहुंच चुके हैं। और जिस हिसाब से इस देश में चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक गंभीर चुनौती देश के सामने चाहिए तो यह था कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र सरकार हो या हिमाचल सरकार हो, वो इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी ताकत लगाते। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अमित शाह जो पूरी इस संकट के दौरान कहीं नज़र नहीं आए, अब प्रकट हो गए हैं। और कल उन्होंने बिहार में वर्चुअल रैली को संबोधित किया और बिहार में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम पूरे देश में आया है, हिमाचल प्रदेश में भी जो है, जो मैंने आज अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि रविशंकर और स्मृति ईरानी जो है वर्चुअल रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं। इन रैलियों का मकसद क्या है? मोदी साहब की उपलब्धियां। अरे कौन सी उपलब्धियां? उपलब्धि ये कि आज देश में जो है कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। कौन सी उपलब्धि है? कोई मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, कोई मध्यम वर्ग के लिए, कोई युवाओं के लिए इन्होंने कुछ किया? उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी बेरोजगारों, किसानों, बागवानों के लिए सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। वहीं आगामी सेब सीजन को देखते हुए प्रदेश में सरकार को लेबर की उचित व्यवस्था करनी होगी, ताकि बागवानों को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। कुलदीप सिंह राठौर ने मांग की है कि नेपाल से मजदूरों को लाने के लिए बॉर्डर तक HRTC की बसें भेजी जाए और वहां से उन्हें निशुल्क लाया जाए। वहीं प्रदेश में सेब सीजन को देखते हुए नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को लाने की भी व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।